नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। ये बुक्स है, इसे अगर आपके पास सुविधा है, आसपास मिल रही हो तो ले लें। बहुत बढ़िया बुक्स लिखी गई है। और अगर इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के वन डे एग्जाम जो भी हैं वो सभी तो कवर हो ही जाएंगे। साथ में आपकी राज्य जो स्टेट PCS होती है इसका प्रीलिम्स भी आप लोग दे सकते हैं इसे पढ़कर। यानी कि बहुत बढ़िया बुक से लिखी गई है, ठीक है, अच्छे विस्तार से लिखी गई हो। तो इसमें हम लोग भारतीय इतिहास देख चुके हैं, विश्व का इतिहास भी देख चुके हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में भी जान चुके हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में बात कर चुके हैं, भूगोल के बारे में भी बात कर लिए थे, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं, सामान्य विज्ञान, उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य और शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी कि सामान्य किरण सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है कृषि एवं पशुपालन के बारे में। याद रखिए, इससे संबंधित आपकी जितनी भी क्लास हैं वो सभी किरण सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, कृषि एवं पशुपालन में फसलों का वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद पादप पोषण पोषण के बारे में जानेंगे, कृषि में रासायनिक शास्त्र के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे कृषि के विशिष्ट विकार देखेंगे, पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्व भी देखेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका थोड़ा सा और टॉपिक बचता है विज्ञान में, पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रदूषण, इसे हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या देखेंगे। वैसे इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था में आपने देखा है, उसके बाद आपने देखा था भूगोल में भी आपने इसे देखा था, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। कृषि एग्रीकल्चर, किसी देश में भूमि पर फसल इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग कृषि विज्ञान कहते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान आपका कृषि क्षेत्र का है, और कई राज्य तो ऐसे भी हैं कि जहाँ 80 से 85% तक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। आखिर स्थानांतरी कृषि ये क्या होती है? इस कृषि के अंतर्गत किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि कार्य करता है। इसका चक्र 4 से 8 वर्ष तक होता है। इसे आप लोग स्थान झूम खेती भी कह लेते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहना जगह को। फिर है गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में आधिकारिक उत्पादन हेतु प्रति भूमि इकाई पर पूंजी और श्रम में अधिकतम व्यय होता है। फिर आपकी मिश्रित कृषि। इस प्रकार की खेती में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन दोनों ही कार्य साथ साथ होते हैं। और याद रखिए, मुझे लगता है कि आपके देश का है जो किसान है, इसके पिछड़े होने का कारण यही है कि मिश्रित कृषि ना करना। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उसमें आप परिवार है, 10 मेंबर हैं परिवार में, तो आपने देखा होगा कई जगह कृषि क्षेत्र में पूरा परिवार लगा हुआ है। जहाँ काम एक व्यक्ति का है वहाँ काम कर रहे हैं 10 व्यक्ति। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई पशुपालन कर ले, कोई मुर्गी पालन, इस तरह से काम कर ले बांट कर, तो आय का जरिया भी बढ़ जाएगा, उनकी दैनिक जो जीवनचर्या होगी उसमें भी बदलाव आएगा। और अगर कृषि बर्बाद हो जाती है तो आप एक दूसरी जगह आपके लिए आय होती रहेगी। तो इस तरह की कृषि हमारे यहाँ कम ही की जाती है। वैसे आप पंजाब में देख सकते हैं इसका उदाहरण, तो आप देखते हैं कि पंजाब के किसान हरे भरे रहते हैं। विस्तृत कृषि। इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े भूखंडों पर यांत्रिक खेती को विस्तृत कृषि कहते हैं। स्थानबद्ध कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से निवास करने वाले किसान और उनका परिवार सहस्तित्व में कृषि कार्य करता है। अब बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। क्या है फसलों का वर्गीकरण? फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, मौसम के अनुसार, और फिर उपयोग या आर्थिक महत्व के अनुसार, जीवन चक्र के अनुसार, बीज के अनुसार। ये आपका 4 प्रकार से फसलों का वर्गीकरण करते हैं। इन सब का विवरण निम्नलिखित है। क्या है? सबसे पहले है आपका मौसम के अनुसार। तो इसमें आपकी खरीफ की फसल है पहले, ये आपकी जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, उड़द आदि प्रमुख फसलें आती हैं।
फिर है आपकी रबी की फसल। ये आपकी फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, बर्रे, तीसी। फिर आपकी भदई या फिर गरमा या फिर जिसे आप लोग जायद फसल भी कहते हैं, ये मई जून में लगाई जाने वाली फसलें हैं। इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं धान हो गया, मूंग, मड़ुआ, रागी और मक्का आदि। फिर आपकी उपयोग या फिर आर्थिक महत्व के अनुसार के आधार पर खेत फसल। खाद्यान्न, इस वर्ग की फसलों को पुनः निम्नलिखित उप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अन्न, इसमें आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का मक्का बाजरा, ज्वार आदि शामिल होते हैं। फिर आपकी दलहन, अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन। प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा मिलती है। आप अगर शाकाहारी हैं तो आप इसी का सेवन करते हैं अधिकतर। तिलहन, मूंगफली, सरसों, तोरी, तीसी, बर्रे इत्यादि नकदी फसलें आती हैं। पर जैसे इसमें आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू, रबर, सरसों, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि आते हैं। इन फसलों का उत्पादन धनोपार्जन की दृष्टि से किया जा सकता है। चारे की फसलों की बात करें तो जैसे बरसीम हो गया, ये आप देखते हैं उनके लिए, पशुओं के लिए अधिक, बरसीम, नेपियर, सूडान, लोबिया, जई इत्यादि। हरी खाद वाली फसलें, सनई हो गया, मूंग, लोबिया, डेंचा आदि की खेती हरी खाद बनाने के लिए की जाती है। कीटनाशी फसलें, किसी मुख्य फसल के साथ ऐसी फसल लगाई जाती है जो उसे कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी लगाना, यानी कि भिंडी लगाने से कपास की सुरक्षा होती रहे। भूमि संरक्षण करने वाली फसलें, तो इसमें मूंग हो गया, लोबिया। जीवन चक्र के अनुसार एक वर्षीय है, जो फसल बुआई के बाद एक वर्ष तक या फिर उससे कम समय में ही तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं, मक्का, धान, आलू इत्यादि। एक गेहूं तो आपका 6 ही महीने में हो जाता है, 5-6 महीने में पक जाता है। अधिकांश फसलें एक वर्षीय होती हैं। क्या होती हैं? एक वर्षीय होती हैं। फिर आपने देखा होगा द्विवार्षिक फसल, 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली फसलें, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूरा करती हैं, जैसे आपने देखा है गन्ना, नेपियर, घास आदि। अब बात करते हैं बीज के अनुसार फसलें, तो छोटे बीज वाली फसलें गोभी, बरसीम, तंबाकू, सरसों इत्यादि। फिर मध्यम आकार के बीज वाली ज्वार फसलें, इसमें आपका गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, धान हो गया। फिर आपके बड़े आकार वाले बीज वाली फसलें, मटर हो गया, चना हो गया इसमें। फिर आप देखते हैं विविध गुणों के अनुसार, तो रेशेदार फसलें, जूट, कपास इसमें शामिल है आपका। शर्करा युक्त फसलें, गन्ना, चुकंदर आपका इसमें शामिल है। मसाले वाली फसलें, इसमें आपका धनिया हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च, लहसुन। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी अंग्रेजी आए थे, अंग्रेज अधिकारी, पहले से सबसे पहले मसाले की लिए ही आए हुए थे, क्योंकि आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में मसाला बहुत फेमस था और हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में यह बहुत मसाले की मांग यूरोप देशों में थी। मध्यकालीन से शुरू होता है पूरा, आप देखते हैं 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा किस तरह से, वो आए हुए थे व्यापारी, व्यापार बन गए व्यापारी, लेकिन फिर उन्होंने बेहतर समझा कि यहीं रुक जाएं। औषधीय और उत्तेजक फसलें, चाय, का कॉफ़ी, भांग, तंबाकू, पोस्ता, गांजा इत्यादि। रंग वाली फसलें, नील कुसुम। जड़ या कंद वाली फसलें, आलू, मूली, गाजर, शकरकंद आदि। फिर आपके वनस्पति गुणों के आधार पर घास वर्ग, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ, गन्ना। दलहनी वर्ग, मटर, उड़द, चना, मूंग इत्यादि। सरसों वर्ग, सरसों, तोरी, राई इत्यादि। आलू वर्ग, आलू, टमाटर, बैंगन। कपास वर्ग, कपास, पटसन। धनिया वर्ग, धनिया, सौंफ। अंडी वर्ग, इसमें आपकी अंडी शामिल है। अब चलते हैं हम लोग खेत की विविध प्रणालियों की तरफ। स्थान विशेष की भौगोलिक अवस्थाओं एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार खेती की अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। इस विधियों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित है। सबसे पहले आपका विस्तृत खेती, इसके अंतर्गत खेतों का आकार बड़ा होता है और अधिकांश कार्य यांत्रिक उपकरण की सहायता से होता है। शारीरिक श्रम कम लगता है एवं पूंजी बहुत अधिक लगती है इसमें। इसमें संख्या का दबाव कम होता है। क्या होता है? जनसंख्या का दबाव कम होता है। फिर आपकी सघन खेती होती है,
क्या होती है? सघन खेती। इसमें श्रम एवं पूंजी अधिक लगाई जाती है और खेतों का आकार छोटा होता है। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग होता है। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को आपको मिलेगा। फिर होती है आपकी आर्द्र खेती, जहाँ वर्षा अधिक होती है और कृषि की यह प्रणाली अपनाई जाती है। चावल, जूट, गन्ना आदि इस खेती के अंतर्गत प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं आपके। फिर आगे चलते हैं, सिंचित खेती। यह खेती ऐसी नदी घाटियों में की जाती है जहाँ वर्षा मौसमी या फिर अपर्याप्त होती है वर्षा। इसमें खेतों की सिंचाई नदियों के पानी से की जाती है और यहाँ की मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है। फिर आपकी शुष्क खेती, वैसे स्थानों पर जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है एवं सिंचाई की सुविधा का अत्यंत अभाव होता है, वैसे स्थानों पर खेती की यह प्रणाली अपनाई जाती है। इस विधि से खेती दक्षिण के पठार, दक्षिण भारत और पश्चिम राजस्थान में की जाती है। इसमें आपका गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, दलहन, इन सबको शामिल किया जाता है। फिर आपकी एकल खेती, ऐसी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए उपयुक्त होता है। असम और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती इस प्रकार की खेती में का उदाहरण है आपका एकल खेती, ठीक है। फिर आपने देखा है मिश्रित खेती के बारे में, क्या मिश्रित खेती? जब एक ही समय में एक ही खेत में एक प्रधान फसल के साथ साथ अन्य पूरक फसलें भी उगाई जाती हैं तो इस प्रकार हम लोग खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। आपने देखा होगा गेहूँ और सरसों एक साथ लगा दिया जाता है, तो इसी तरह की ये खेती है। पर आप देखते हैं बहु फसली खेती, जब एक ही खेत में पूरे वर्ष में दो से अधिक फसलें उपजती हैं तो इसे बहुफसली कहते हैं। उर्वर और सुसिंचित भूमि वाले क्षेत्र में आधुनिक तरीकों का सहारा लेकर इस प्रकार की खेती की जाती है। फिर आप सुनते हैं दोहरी खेती, ये क्या है? जब एक ही खेत से वर्ष में दो फसलें बारी बारी से उपजाई जाती हैं तो उसे हम लोग दोहरी खेती कहते हैं। इस तरह की खेती घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ जलवायु आपकी अनुकूल होती है। फिर आप एक सुनते हैं झूमिंग खेती, जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन की खेती योग्य बना कर खेती की जाती है तो उसे हम लोग झूमिंग खेती करते हैं। कई जगह पर इसका नाम स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ऐसी खेती आपकी असम और मेघालय की पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। और इस तरह की खेती सबसे पहले आपने देखा होगा कि आदिवासियों में प्रचलित थी, वो एक जगह जमीन साफ करते थे, वहाँ खेती करते थे, उसके बाद वो अनुपजाऊ होने के बाद इस खेती दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे। फिर सुनते हैं आप फसल चक्र, क्या फसल चक्र? जब एक ही खेत में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता है तो इसे ही हम लोग अदल बदल खेती कहते हैं। रोपण खेती, रबर हो गई, चाय, कहवा, नारियल, कपास आदि से में शामिल की जाती है आपकी। नगदी फसलों की खेती रोपण विधि से की जाती है, इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है। फिर आप सुनते हैं वाणिज्यिक खेती, कॉमर्शियल खेती, इस प्रकार की अंतर्गत क्षेत्र विशेष में मिट्टी जलवायु के अनुरूप व्यापारिक महत्व की फसलें उगाई जाती हैं। फिर भारत में फलों फलोत्पादन, भारत में फलों का उत्पादन, अमरूद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, हरदोई, एटा, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात, अनानास असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंगूर पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, अनार ये आपका देखने को मिलेगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आम ये आपका उत्तर प्रदेश में हरदोई, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी आम देखने को मिलेगा। केला, केरल में आपका केला केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है। संतरा, संतरा आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और कांगड़ा प्रसिद्ध हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में आपका पठानकोट, महाराष्ट्र में नागपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, मध्य प्रदेश में आपका निवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सेब यह आपका हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और असम में, लीची उत्तर प्रदेश, देहरादून हो गया, सहारनपुर, मेरठ, पंजाब में गुरुदासपुर, बिहार में आपका चंपारण, मुजफ्फरनगर, बेर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। अब है पादप पोषण, पौधे अपनी वृद्धि के लिए मृदा, जल तथा वायु से कई तत्वों का शोषण करते हैं, लेकिन सभी शोषित तत्व पौधे के पोषण में भाग नहीं लेते हैं। वे ही तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग पोषक तत्व कह रहे हैं, क्या कहते हैं? पोषक कहलाते हैं।
आवश्यक पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात भी करें तो पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में पौधे अपने जीवन चक्र को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म के अभावी तत्व इनके पोषक तत्व हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए भी बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये खनिज हमारे लिए पोषण होते हैं, तो इसी तरह पौधों के लिए जरूरत होती है। तो पौधों में भी एक तरह से जीवन ही कह लीजिए। इन 6 तत्वों के अतिरिक्त 14 तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मोली बिडेनम, कॉपर, बोरोन, जिंक, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम तथा सिलिकॉन की भी जरूरत पड़ती है। आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व हैं। गौण पोषक तत्व की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा सल्फर इत्यादि। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, वेनेडियम तथा कोबाल्ट देखने को मिलेगा। पौधों में नाइट्रोजन नियंत्रण का काम करती है। पौधों में नाइट्रोजन नियंत्रण का काम करती है, इससे फास्फोरस एवं पोटेशियम का विनिमय भी संतुलित रहता है। नाइट्रोजन पौधे के क्लोरोफिल, इम्यूनो अम्ल, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एमाइड्स तथा प्रोटोप्लाज्म की संरचना में सक्रिय भाग लेता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियों के बीच बीच में सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं। पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। पत्तियाँ कभी कभी गल भी जाती हैं। इसमें फलों वाली वृक्षों में अधिकतर फल पकने के पहले गिर जाते हैं। दाने वालों फसलों में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियां सूखना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां सूख जाती हैं। फिर आपका फास्फोरस ये ऊर्जा के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को उदासीन करता है। फलीदार फसलों की जड़ों में स्थित ग्रंथियों की संख्या तथा आकार में वृद्धि करता है। पौधों में कीटों के आक्रमण सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें फास्फोरस की कमी से होने से पौधे का रंग गहरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है। नीचे की पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा इसके अभाव के कारण मकई के दाने का निर्माण नहीं हो पाता है। नींबू की पत्तियों में आपका निक्रोसिस हो जाता है। सब्जियों की वृद्धि उनकी इसकी कमी से रुक जाती है। किसकी? फास्फोरस की। ठीक है, यही तो आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं नीचे कि इसकी फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर कोई भी रोग बता देगा और पूछेगा कि किसकी कमी से होता है। आलू के भीतर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। पोटास पौधों में निम्न दैनिक कार्य के लिए आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह पत्तियों में शर्करा एवं स्टार्च के निर्माण में वृद्धि करता है। यह आयरन वाहक के रूप में अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण तथा अवकरण प्रक्रियाओं में सहायक होता है। पोटेशियम की कमी से पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी कमी से सबसे पहले पौधों की परिपक्व पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कपास में पोटाश की कमी से पीली सफ़ेद कबूरन रोग हो जाता है। तंबाकू के पौधों की पत्तियों के नसों के भी धब्बे पड़ जाते हैं इसकी कमी से। कैल्शियम की कमी से सर्वप्रथम कभी कभी पत्तियों पर हरे रंग के चकते दिखाई देते हैं और पौधे छोटे रह जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अभाव है। इसके बिना कोई भी पौधा हरा नहीं रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के कारण ही पौधों को हरा रहने के लिए जरूरी है। या पौधों में शर्कराएं स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे नई पत्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आलू के पौधे में खत पत्तियाँ
खस्ता पर अनियमित आकार के पीले धब्बे पैदा हो जाते हैं। सल्फर क्लोराइड क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। क्या? सल्फर। सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है। सल्फर से अल्फा अल्फा की जड़ों में ग्रंथियों का विकास अधिक हो जाता है। सल्फर की कमी से चाय में टी एलो रोग हो जाता है। सल्फर की कमी से चाय में क्या? टी एलो रोग हो जाता है। नींबू में इसकी कमी से वृद्धि मंद पड़ जाती है। सब्जियों का रंग पीला पड़ जाता है। आलू की पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। आयरन क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, लेकिन क्लोरोफिल का अंग नहीं है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। पौधे में नाइट्रेट अवकरण करता है। आयरन की कमी से सामान्य प्रभाव हरितहीनता होता है, जो प्राय पौधे की नवीन भागों पर बहुत पहले पैदा होता है। बहुत से फल अधपके होकर गिर जाते हैं। किसकी? आयरन की कमी के कारण। नींबू वर्गीय पेड़ों में पत्तियों पर निजीव ऊतकों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। मैग्नीज क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। यह नाइट्रेट के स्वांगीकरण में सहायता भी करता है। यह ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का काम भी करता है। कौन? मैग्नीज के अभाव में पत्तियों के अंता सिराओं में छोटे छोटे हरिमाहीन धब्बों का होना पाया जाता है। पौधों में ऊतक गलन रोग हो जाता है। मैग्नीज की कमी से जई में भूरी चित्री गन्ने की का अंगमारी मैग्नीज के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जिंक की कमी से धान पौधे में खैरा रोग, ये भी कई बार पूछ लिया चुका है। धान के पौधे में खैरा रोग किसके कारण होता है? ये जिंक की कमी से। मक्का में सफ़ेद कली रोग, ये भी आपका जिंक की कमी से ही होता है। तुंग वृक्ष में कासेन रोग, नींबू में वामन पत्ती रोग, आम में भी वामन पत्ती रोग भी हो जाता है। कॉपर से पौधों का श्वसन विक्रम भी होता है। कॉपर से पौधों में श्वसन विक्रम भी होता है। यह क्लोरोफिल विनाश को रोकता है। यह पौधों में इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में भी सहायक है। कौन? कॉपर। इसके उपयोग से पौधों में फफूंदी रोग का प्रकोप कम होता है। वह विटामिन ए बनने में सहायक होता है। धान फसलों में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है। पत्तियों की नोक सफ़ेद हो जाती है। टेलर्स कमजोर हो जाती है। नींबू वर्गीय पौधे की पत्तियां क्रूर हो जाती हैं। फल की छाल पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है। फिर आपका बोरोन। बोरोन पौधा द्वारा नाइट्रोजन के शोषण में सहायक होता है। पराग तथा प्रजनन क्रियाओं में सहायक भी होता है। यह पुष्प फल तथा बीज बनाने की क्रिया को प्रभावित करता है। बोरोन फलीदार पौधों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जड़ ग्रंथियों का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। बोरोन का प्रभाव सबसे पहले पौधों की नई पत्तियों पर देखने को मिलता है। इसकी कमी से पत्तियां मोटी होकर मुड़ जाती हैं, जड़ें नहीं बढ़ती हैं, मुख्य तने की फुनगी मर जाती है, फूल तथा फल नहीं लगते हैं, फल पकने से पहले गिर जाते हैं। चुकंदर में आंतरिक गलन, सेब में आंतरिक कार्क, शलजम में भूरा आंत्र और तंबाकू में शिखर व्याधि इत्यादि रोग हो जाते हैं। मोलिब्डेनम पोषक तत्व की पौधों में उपयोगिता है। यह एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी के संश्लेषण में भी ये आवश्यक है। मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की कमी से पौधों लक्षण उत्पन्न होते हैं। पौधों की पत्तियों के बीच हरिमाहीनता हो जाती है। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। इसमें नींबू जाति के पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिससे एलो स्पोट नामक रोग हो जाता है इसमें। ठीक है। फिर आपका क्लोरीन। पौधों में रसाकर्षण दाव को बढ़ाता है। क्लोरीन कोशिका रस में धनायन संतुलन बनाए रहता है। यह एंथोसाइनेंस का संगठन पदार्थ है। पौधों में क्लोरीन की कमी के लक्षण टमाटर के पौधों की निचली पत्तियां मुरझा जाती हैं, इससे हरिमाहीनता हो जाती है। पत्ता रोली की विशेष गंध समाप्त हो जाती है। अधिक कमी से पौधे की पत्तियां मर जाती हैं। पौधों में फल का निर्माण नहीं होता है। कोबाल्ट राइजोबिया
द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है, या विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के लिए निर्माण में आवश्यक होता है, वेनेडियम की हरी एल्गी के लिए अति आवश्यक होता है, एजोटोबैक्टर के पोषक में सहायक होता है, एस्पैरागस चावल तथा मक्का के लिए आवश्यक है, या जैविक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के लिए भी आवश्यक होता है, सोडियम ये चुकंदर के लिए आवश्यक है, या पौधों में स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है, क्या सोडियम, सिलिकॉन खीरा ककड़ी चावल के लिए आवश्यक होता है आपका सिलिकॉन। अब चलते हैं हम लोग कृषि में रसायन शास्त्र की बात करते हैं, किसकी, रसायन शास्त्र। पौधे मिट्टी से आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त कर वृद्धि करते हैं, जिससे भूमि में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सभी पौधों को एक जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए फसल के अनुसार भूमि में विभिन्न तत्वों की कमी होती है। किसी फसल के लिए भूमि में उपस्थित पोषक पदार्थों का ज्ञान भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण द्वारा किया जाता है। जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग बंजर कह देते हैं या ऊसर भूमि सामान्यतः बोल देते हैं। इस भूमि को कम उत्पादन होता है, इस भूमि में क्या होता है, कम उत्पादन होता है। अम्लीय गुड़ वाली भूमि में भी उत्पादन कम ही होता है। अच्छे उत्पादन के लिए भूमि में ना तो अधिक क्षार होना चाहिए भूमि को, ना ही अधिक अम्ल होना चाहिए। हमारे देश में लगभग 1.3 करोड़ ऊसर यानी कि क्षारीय भूमि है। जिप्सम के प्रयोग से ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है, किसकी, जिप्सम की। इसके लिए कभी कभी जिप्सम के साथ डेंचा यानी कि सिस्वेनिया एस्कुलिस्टा नामक हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय भूमि में चूना मिलाकर अम्लों का उदासीनीकरण करने से भूमि खेती जो भूमि है इसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। भूमि में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी तत्व रासायनिक उर्वरकों या खादों से प्राप्त होते हैं। पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की अधिक जरूरत होती है, किन्हें, पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरक उन लबड़ों को कहते हैं जिनमें आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों और जिन्हें पौधे ग्रहण कर सकें। चूना तथा जिप्सम का प्रयोग भूमि को उदासीन बनाने में किया जाता है, इसे अप्रत्यक्ष उर्वरक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष उर्वरक कहते हैं। मिट्टी का तेल कैल्शियम साइनेमाइड तथा 2-4D का प्रयोग खरपतवार की रोकथाम के लिए किया जाता है। चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड, क्या, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं चूहों को मारने के लिए। पौधों में बीमारी अधिकतर फफूंदी के कारण होती है। फर्मेलिन का जल में तनु विलयन फफूंदी नाशक है। SO2 गैस से भी गोदामों के तथा बंद घरों में उगे हुए पौधों की फफूंदी मारने के काम आती है। पौधों में स्टार्च चीनी वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए पोटास उर्वरक की आवश्यकता होती है। भूमि में इसकी कमी से उपज कम होती है और पौधे कमजोर और बीमार हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए अधिकतर पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी महत्वपूर्ण पोटास उर्वरक है। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किसकी, नाइट्रोजन की। प्रोटीन के बिना जानवरों तथा पौधों का जीवन असंभव है, कैसा है, असंभव है। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिकतर अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया का उपयोग देखने को मिलता है। पौधे के लिए फास्फोरस भी एक आवश्यक तत्व है, क्या, फास्फोरस। इससे अनाज के दानों की उपज बढ़ती है, किसकी, फास्फोरस के कारण। यह पौधे के पकने की क्रिया को तेज भी करता है। भूमि में फास्फोरस की कमी से पौधों को की नाइट्रोजन और तत्वों का शोषण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। फास्फोरस उर्वरक बनाने का मुख्य खनिज फास्फोराइड नामक प्राकृतिक पदार्थ है। हमारे देश में अधिकतर काम आने वाला फास्फोरस उर्वरक सुपर फास्फेट है, क्या है, सुपर फास्फेट है। अब है आपके खाद एवं उर्वरक। आप देखते हैं कि खेती में आप खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। एक ही पोषक तत्व वाले उर्वरक को एकाकी उर्वरक कहते हैं। दो या तीन पोषक तत्वों वाले उर्वरक को मिश्रित उर्वरक कहते हैं, जैसे NK, NB, NPK आदि मिश्रित उर्वरक हैं। KNO3 16 इसमें NK वर्ग का उर्वरक है। इसमें दो पदार्थ पोषक तत्व हैं, पोटेशियम और नाइट्रोजन। NPK उर्वरक संपूर्ण उर्वरक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व देखने को आपको मिलेंगे।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटाश तीनों पदार्थ इसमें क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। नाइट्रोफोस मिश्रित वर्ग का महत्वपूर्ण उर्वरक है। एमोफोस पोटेशियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनाया जाता है। राइजोबियम कल्चर में गुड़ मिलाकर दलहनी फसलों के बीजों को बोने के पहले शोधीकरण किया जाता है। इस विधि से दलहनी फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण शक्ति बढ़ जाती है। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अंतराल की फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र। इस क्रिया से भूमि की उर्वरा शक्ति को कम किए बगैर भूमि का अधिकतम उपयोग करना संभव है। इससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। फसलों पर खरपतवार कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। भूमि की उर्वरता शक्ति उसकी भौतिक तथा रासायनिक दशा में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक हैं, जिन्हें हम लोग सोना खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सोना खाद कहते हैं। सर्वाधिक अम्लीयता अमोनिया खाद में पाई जाती है। यूरिया सर्वप्रथम अमोनियम कार्बोनेट में बदलती है। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं। किसे? अम्लीय मृदा को। सर्वाधिक आद्रता ग्राही उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट है। दूसरे स्थान पर आपका यूरिया आता है। द्वितीय उर्वरक पोटेशियम और नाइट्रेट है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग धान में करते हैं। किसमें? धान में। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा 60% होती है। कितनी? 60%। एजोटो वेक्टर का प्रयोग चावल कपास और गन्ना के खेतों में करते हैं। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीवाणुओं की प्राथमिक सक्रिय मुख्य रूप से जीवाणु तैयार करता है। लगभग 80,000 टन वायुमंडलीय नाइट्रोजन एक हेक्टर भूमि के ऊपर, जिसे इन जैव उर्वरकों से संचित कर उपयोग में लाया जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से दलहनों में वृद्धि 265%। एजोटोबैक्टर से धान फसलों में वृद्धि 60-72%। एजो स्प्रीलस से ज्वार बाजरा में 15-17% वृद्धि। नील हरित सहवाल से धान में 10-18%। एजोला से धान में 13-33% उपज में वृद्धि देखी गई है। एजो स्प्रिलियम तथा एजोटोबैक्टर से 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की बचत, नाइट्रोजन की हेक्टर की बचत होती है। फर्जीगेशन सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना ताकि दोनों की उपयोग क्षमता बढ़ सके। वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा घर फार्म की वेस्ट को खाकर निकालने वाला मल फसल सब्जियों फल फूलों के लिए पोषक संतुलित है। इस तरह का अगर खाद बनाए तो आपकी फसल के लिए भी लाभदायक होता है अच्छे से। केंचुआ किसान का मित्र, या आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। केंचुआ ऐसे किसान का मित्र कहते हैं। प्रकृति का हलवाहा पृथ्वी की आंत और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है इसे। भूमि में NPKCAMG तत्वों का बढ़ाना भूमि उर्वरक बनाना CEC एवं में स्ट्रक्चर में सुधार करना है। किसी के विशिष्ट प्रकार भी होते हैं। मेरिकल्चर हो गया, इनसे भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। वैसे भी कई बार हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मैरीकल्चर कहलाती है। हॉर्सीकल्चर सवारी या यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालन क्रिया को क्या कहते हैं? हॉर्सीकल्चर। नेवेरीकल्चर यह आदिमकाल की वह कृषि पद्धति है जिसमें मानव द्वारा जंगलों से फल जड़ आदि का संग्रह किया जाता है। ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यावसायिक कृषि इसके अंतर्गत आती है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती जब व्यावसायिक स्तर पर की जाती है तो उसे हम लोग फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। आर्बोरीकल्चर विशेष तरह के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन भी शामिल हो। पीसीकल्चर अथवा जल कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन क्रिया पीसीकल्चर कहलाती है। वीटीकल्चर अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए की जाने वाली खेती को हम लोग वीटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें सहतूत आदि की कृषि भी शामिल होती है, सेरीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर खेती की इस विधि के अंतर्गत व्यवसायिक स्तर पर फलों साग सब्जियों की खेती की जाती है।
एपीकल्चर, इसमें आपका व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खन मधुमक्खी पालन का कार्य आपका एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, फसलों के सुधार से संबंधित केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान भी बनाए गए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। ये संस्थान हो गए आपके स्थान और स्थापना वर्ग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में है, 1905 में पूसा नाम दिया गया था, 1936 में इसे नई दिल्ली में लाया गया स्थानांतरित करके। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में है, 1959 में इसे बनाया गया, इसकी स्थापना की गई। कपास तकनीक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये मटुंगा मुंबई में है, इसकी स्थापना 1924 में की गई। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपके झांसी में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसकी स्थापना 1962 में की गई। कब? 1962 में। भारतीय अनुउद्यान, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान, हैसराघाट बंगलोर में 1967 में इसकी स्थापना की गई। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ये आपकी 1939 में ढाका में थी, लेकिन इसे स्थानांतरित करके 1952 में बैरकपुर में लाया गया। जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कोलकाता में देखने को मिली, 1938 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम कुम रांची में 1925 की बात है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कसार रोड केरल में, इसकी स्थापना 1970 में की गई है। ये संस्था भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद रख लीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में देखने को मिलेगा 1949 में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एकटक में देखने को मिलेगा 1945 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 1952 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में देखने को मिलेगा 1969 में इसकी स्थापना की गई। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में 1912 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री 1974 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो त्रिवेंद्रम 1963 में इसकी स्थापना की गई। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में 1924 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1924 में। भारत की फसलों की सामान्य जानकारी की अगर हम लोग बात करें, जैसे धान, क्या धान, ये उचित तापक्रम हो गया, वार्षिक वर्षा और मृदा, तो धान के लिए 20 से 35 डिग्री उचित तापमान की आवश्यकता होती है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, भारी मृदा, सीपेज द्वारा जल की अधिक क्षति ना हो, जल धारण शक्ति अच्छी हो। ज्वार की बात करें तो 22.5 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री इसकी तापमान की आवश्यकता होगी और 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की हल्की मृदा इसके लिए जरूरी होती। बाजरा 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यक होती है और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। मक्का 30 से 45 डिग्री सेल्सियस 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा की आवश्यकता। जो आपका गेहूं है इसके लिए तापमान की बात करें तो 16 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 25 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता बढ़ती है। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट या चिकनी मिट्टी आवश्यक होती है। चना 16 से 25 डिग्री सेल्सियस और 65 से 95 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो हल्की जलोढ़ मृदा, पानी धारण की अच्छी क्षमता, जल निकास की समुचित व्यवस्था वाली मिट्टी जरूरी होती है। अरहर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ये 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है। उचित जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मृदा जिसका पीएच मान उदासीन हो, कैसा? उदासीन, यानी कि 7 पीएच मान 7 हो। मूंगफली 22.5 से 30 डिग्री सेल्सियस इसे के लिए वर्षा की बात करें तो 60 से 130 सेंटीमीटर बलुई दोमट मिट्टी अच्छे जल निकास वाली काली मृदा की जरूरत पड़ती है। सरसों ये आपके इसके लिए तापमान की आवश्यकता होगी 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस और जो वर्षा होती है ये 30 से 75 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। मध्यम उपजाऊ उदासीन और हल्की क्षारीय दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास इसके लिए तापमान होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ माली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
आपने सुना होगा कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि अच्छी फसल होती है काली मिट्टी में इसकी। फिर आपकी जूट 25 से 32.5 डिग्री सेल्सियस ताप की तापमान इसकी आवश्यकता होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, रेतीली दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। गन्ना 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 60 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। आलू 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया और 50 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उचित जल निकास वाली उपजाऊ और पाला हानिकारक जीवांश युक्त रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर आपका तंबाकू 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, उपजाऊ कम जैविक पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली मृदा की आवश्यकता होती है। चाय 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की और हल्की अम्लीय दोमट मिट्टी जिसमें फास्फोरस एवं लोहे का अंश होता है। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों की अगर हम लोग बात करें तो कवक जनित पादप रोग, रोग का नाम हो गया, पोषीदावक पादप हो गया, रोगकारी कवक का नाम हो गया, आलू का विलंबित अंगकारी ये आलू, फाइटोवीरा इनफेस्टेंस, पपीता का फल विघटन पपीता, ये पाइथियम एफानीडर मेंटस, कुर्सी फेर मुदुरोमिल आसिता, ये आपका मूली सलजम गोभी सरसों में, ये पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका में, अंगूर का मिदुरोमिल आसिता, एक अंगूर प्लास मोफोरा बिटिकोला, बाजरा का मिदुरोमिल आस्ता बाजरा, इसके रोस्पोरा ग्रीमिनी कोला, क्रोसीफेर का सफ़ेद किट, ये मूली सलजम गोभी सरसों में, एलब्यूगो कैंडिडा गेहूं का चूर्ण आसिता गेहूं बाजरा आदि में, एरिसाइफी गेमिनिस गेहूं का इसलत कंड गेहूं में, अस्टेलेगो ट्रीटीसी कर्नॉल बंट ये आपका गेहूं में, टिल्लेटिया बारकलायाना धान का बंट धान, टिल्लेटिया बारकलायाना बाजरा का कंड बाजरा, टोलीपोस्पोरिन पेनिसिलिरी जौ का सिले सलत कंड जो, अस्टेलेगो नूडा जो का आवृत कंड जौ, अस्टेलेगो होर्टी काला किट गेहूं, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटीसी भूरा किट गेहूं, पक्सिनिया रेकोन डीटा पीला किट गेहूं क्या गेहूं में, ये भी आपका पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस, सेम का किट लोबिया चना राजमा सेम में, यूरोमाइसिस माइसिस एपेंडिकुलेटस कॉफी का किट कॉफी में, हिमिलिया वास्टाट्रिक्स अरहर की मिलानी अरहर में, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम कपास की मिलानी या कपास में, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम आलू का पूर्व अंग मारी या आपका आलू में, अल्टरनेरिया सोलेनाई टिक्का रोग मूंगफली में, सरकोस्पोरा अराची डीकोला और सरकोर पोरा परसोनेटा, लाल बिगलन गन्ना में, कोलेटो ट्राइकम फालकेटम बाजरा का अर्कोट गोट बाजरा में, क्लेवी सेप्स सुई फॉर्मिज धान का पाद बिगलन धान में, फ्यूसेरियम मोनिली फोरम फोरमे, ठीक है ये आपके कुछ रोग थे और पौधे फसलें। ये है आपकी माइक्रोप्लाज्मा जनित पादप रोग, रोग का नाम हो गया पोसी पादप, तिल का फ्लोडी तिल में, छोटी पत्ती बैगन और लेगूम, पपीता का बंची टॉप पपीता में, मूंगफली का विचेस ब्रोम मूंगफली, आलू का विचेस ब्रोम आलू, शकरकंद की छोटी पत्ती शकरकंद शकरकंद का विचेस ब्रोम शकरकंद में, सीड बॉर्न रोग धान की पत्ती चकला रोग, धान की बैक्टीरियल ब्लाइट आंगेमारी रोग, बाजरा का अर्गट रोग, कपास का ब्लैक वार्म रोग, धान का भूरा
चकता रोग, स्वाइल बॉर्न रोग, बाजरे का हरित वाली रोग, बाजरे का स्मट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, टमाटर का रूट नोट रोग, एयरबॉर्न रोग, धान का ब्लास्ट रोग, कॉफ़ी किट रोग, गेहूं का किट रोग। फसलों के प्रमुख कीट की बात करें हम लोग तो ये फसल का नाम हो गया क्षति और रोकथाम। धान की गंदी, दुधिया बालियों के रस चूसते हैं, 10% BHC रोकथाम के लिए जरूरी होती है। धान की बंका, पत्तियों को खाने के साथ साथ पत्तियों का खोल बनाती है, 10% BHC और इंडो सल्फान इसके लिए रोकथाम के लिए जरूरी है। तना छेदक, ये तने को छेद कर अंदर ही अंदर खाते हैं धान और मक्का में। कार्बोफ्यूरोन और 30% फास्फेमिडान, कपास का फुंदका, ये पत्तियों के रस को चूसते हैं, मेथाइल डेमेटाइन इसका रोकथाम है। दीमक तथा मुजिया गेहूं में, रात्रि में उगते पौधे को जमीन के पास से काटते हैं, एल्डिन और BSC। चने का फली छेदक, एक फली के अंदर दाने को खाते हैं, एंडोसल्फान और मेलाथियान। गन्ने का दीमक, गन्ने की आँखों की क्षति पहुँचाते हैं, एल्डिन 5%। पायरीला गन्ना में पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है, BSC 10%। और मेलाथियान थायोडान इसके उपचार हैं। फिर आप देखते हैं माहू, ये सरसों में शिशु तथा पोड़ दोनों पत्तियों तथा फूल से रस चूसते हैं, जैसे फल नहीं लगते हैं इसमें। फैत, मेथाइल डेमेटाइन इसकी उपचार है। हिस्पा, धान में कीट तथा लार्वा पत्तियों से खुरचकर खाता है, जैसे पत्तियों पर सफ़ेद समानता रेखाएं बन जाती हैं, BSC का 50%, घोल इंडोसल्फान पैराथिन के साथ इसका उपचार है। धान की बाल कटने वाला कीट जैविक कीट है, कीट की सुड़ियाँ रातों रात धान की बालियाँ काटकर गिरा देती हैं, इसका उपचार है क्लोरोपाइरोफास, पैराथियन तथा इंडोसल्फान का घोल तथा फसल पर छिड़कना। ठीक है, सरसों की आरा मक्खी पत्तियाँ खाती है, 10% BSC चूंड या फिर 2% पैराथिन घोल का प्रयोग करके इसे उपचार किया जा सकता है। ब्राइट मूल आलू के कंद को प्रभावित करता है, फोरेट गिनियूल का प्रयोग करना चाहिए। गन्ना भेदक, गन्ने को भेद कर अंदर ही अंदर गुदा खाता है, BSC या थायोडान का छिड़काव करना चाहिए। मक्का का लाल मुरली पौधे को काट कर खाता है या कोमल अवस्था में खाता है, BSC या फिर पैराथियन का छिड़काव करके इसे सही किया जा सकता है। लवण प्रभावित मृदा का भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक विवरण, ACD हो गया आपका, राज्य हो गया, अनुमानित क्षेत्रफल, शुष्क एवं अर्धशुष्क, ये आपका गुजरात, पंजाब, हरियाणा पंजाब, इसका अनुमानित क्षेत्रफल है मिलियन में 1.00। गंगा सिंधु क्षेत्र का बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2.50। लवण प्रभावित मिट्टी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। लवण प्रभावित मिट्टी काली मिट्टी का ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसी में, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 1.42% भूमि है। प्रभावित भू क्षेत्र जैसे भू तटीय क्षेत्र गुजरात में 0.714 हो गई, तटीय डेल्टा क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 1.394 हो गई। अम्लीय लवण केरल प्रभावित क्षेत्र 0.616। ठीक है, अब हम बात करते हैं पशुपालन। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। भारत में पशुपालन कृषि का आवश्यक अंग है। क्या है? आवश्यक अंग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, क्योंकि आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आपको अधिक देखने को मिलेगा। अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक पशु हैं। यहाँ विश्व की कुल पशु संख्या का लगभग 25% निवास करती है, यानी कि 100% टोटल है उसमें से आपके यहाँ 25% जनसंख्या है। ठीक है, विश्व की बात कर रहा हूँ। देश में गौ पशुओं की 26 से अधिक नस्लें और भैंस की आपकी 7 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 15% के गाय और भैंसों से होती है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत आज विश्व में पहला स्थान रखता है।
फिर भी पशुपालन उद्योग के आधुनिकीकरण एवं विकास की आवश्यकता है अभी भी। भारत में पशुपालन से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं, जैसे पशुधन बीमा योजना, मूलग्राम योजना, गौशाला विकास योजना, सघन पशु विकास योजना, मिलिट्री डेयरी फॉर्म, अखिल भारतीय समन्वित गौ पशु अनुसंधान योजना, दूध बस्ती योजना, ऑपरेशन फ्लड योजना, बछड़ा पालन योजना, गौसदन योजना, चारा तथा चारागाह विकास योजना, कृषि उत्पादों एवं छीजन सामग्रियों से पशु आहार योजना, इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना, इंडो जर्मन परियोजना, इंडो डेनिस परियोजना, इंडो स्विस परियोजना, ये सभी परियोजनाएं हैं। गाय और भैंस, क्या गाय और भैंस विभिन्न प्रकार के पशु उत्पादों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पशुओं को पाला जाना पशुपालन है। गाय और गैस भैंस भारत की महत्वपूर्ण पशु हैं। क्या पशु संसाधन है गाय और भैंस, एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों से बेहतर हैं जानवर इस समय, इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोग अपना धर्म भूल चुके हैं, लेकिन गाय को आप पालिए, अभी भी आप आपका धर्म निभाएगी, आप उसे खिलाएंगे, चारा पानी देंगे तो वो दूध आपको जरूर देगी। ऐसा नहीं है कि वो अपना धर्म भूल कर दूध देना बंद कर दे आपको, लेकिन हम इंसान को देखिए, इंसानियत से दूर दूर तक अब हमारा कोई लेना देना नहीं रह गया है। कृषि में इनका योगदान महत्वपूर्ण है तथा पशुधन कृषि क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता के बड़े भाग की पूर्ति भी करता है। पशु गोबर या फिर अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खाद भी प्रदान करता है, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश गोबर या फिर उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है इसका। पशुओं से बड़ी मात्रा में खालें और चमड़ा भी हमें प्राप्त होता है। भारत में पशुपालन शक्ति के साधन के रूप में और दूध उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मवेशियों की अच्छी प्रकार की नस्लें भारत में कम आर्द्र प्रदेशों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इन राज्यों में देश का लगभग 25% मवेशी पाए जाते हैं। देश में मवेशियों का घनत्व प्रति 100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में लगभग 12.8% मवेशी हैं। भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में देखने को मिलेगी। मवेशियों का सर्वाधिक घनत्व आपके महाराष्ट्र में 11 मवेशी प्रति 100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में और हरियाणा में 10 और कर्नाटक राजस्थान में 5-6। दूध उत्पादन में दृष्टिकोण से भारतीय गायें अपेक्षाकृत निम्न कोटि की पशु हैं। भारत में दूध की अधिक मात्रा भैंसों से होती है तथा कुल दूध उत्पादन का लगभग 63% दूध भैंस का दूध होता है। देश में डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में समुचित विकास हुआ और आज भारत की विश्व की अग्रणी दूध उत्पादकों में गिना जाता है। एक बात आप लोगों को बोलूं कि मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप इंसान अपनी इंसानियत भूल गया, अपना धर्म भूल गया। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, कहीं मैं जा रहा था तो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अब देखिए, किसी ने घर से निकाला है, उसके परिवार ने क्या किया है, इससे अपन को कुछ नहीं करना है, मदद करना आपकी बात, अगर वो पूछ रही है तो आप बात तो कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, इतना भी आप व्यस्त नहीं है कि फेसबुक और व्हाट्सएप में आप लोग 2-2, 3-3 घंटे कपा देंगे 2 मिनट बात करने के लिए, वहाँ नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, कॉलेज का टाइम था, वहाँ छोटे लड़के, तो उनमें से अधिकतर लड़के तो ठीक स्थिति में थे, मैं उनकी लड़कों की कोई बढ़वाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि उनमें से अधिकतर लड़कों ने उस माँ का हाल लिया, पूछा, जो भी मदद की हो सकती थी की। लेकिन लड़कियों को मैंने देखा कि नाक बंद करने, यानी कि बदबू आ रही थी उस माँ से, उन्हें वो नाक बंद कर करके निकल रही थी। एक बात आप लोग हमेशा समझते हैं कि क्या हमारा बुढ़ापा नहीं आना है, हो सकता है कि उस माँ को तो घर से निकाला गया हो और हमारी स्थिति शायद उससे और बुरी हो सकती है। तो यार, हमारी मतलब वही स्थिति से हमें गुजरना है, फिर भी हम भूल जाते हैं। और एक बात, अभी कुछ ही दिन पहले, वैसे मैं रामायण कम ही देखता हूँ, देखिए मानता हूँ धर्म को और बेहतर मानता हूँ अपनी तरह से, कोई मन में सिद्धा, सब तरह से इंसानियत, हर तरह से भावनाएं हैं, लेकिन मैं रामायण इस तरह के धर्मों में वहीं भरोसा करता हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब सोचिए कि आँख बंद करके किसी पुजारी को, पंडित को मानने लगूँ, मेरे बस की नहीं है सीधी बात। अगर मुझे 10 रुपये मंदिर में चढ़ाने की बजाय हम बाहर बैठे मजदूर को या जो भी भिखारी होगा उसे देना बेहतर समझता हूँ, देखिए, क्योंकि आजकल मंदिरों में दान किया और अपना वोट, इसकी कोई कीमत नहीं है, समझ रहे हैं, आपकी वोट की इतनी कीमत है कि आप वोट दीजिए सरकार बनाना,
क्या करना है उस वोट उसमें सरकारें गिराना बनाना, किसके साथ मिलना है, क्या करना है, ये नेता काम करते हैं। इसी तरह धन आप दान कीजिए, उसका धन का कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मंदिरों पर रहता है, पुजारियों पर। तो मैं कहता हूँ कभी दान मत दीजिए, जाके बाहर किसी की मदद कर दीजिए, 10-20 रुपया जितने की करना है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले घर में लेटा हुआ था तो रामायण चल रही थी, कोई पूजा नाम की लड़की बढ़िया कथावाचक है, तो वो कहने लगी कि वो मेरा भाई एक दिन पूछ रहा था मुझसे कि दीदी तुम वो लड़कों को क्यों ठहराती हो, दोस्ती ठहराती हो कि माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। और बोली कि अगर लड़के इतना ही गलत थे तो शादी से पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया गया घर से। तो बोली कि मैं 2 से 3 दिन सोचती रही इस बात को, फिर मैंने नोटिस किया कि अगर जैसे कोई लड़की किसी घर में शादी करके जा रही है तो उसका कर्तव्य क्या है कि इस घर को अपना घर समझे, यहाँ के जो सास ससुर हैं, जो जो माँ बाप हैं, इन्हें अपना माँ बाप समझे। उस तरफ तुम्हारे जो माँ बाप हैं, इस घर में कोई बहू बन के आएगी वो अपना धर्म निभाए, कर्तव्य निभाए, भाई इन माँ बाप को अपना माँ बाप समझे। अगर इस समस्या को छुटकारा पा लिया तो बोले कि वो देश में कहीं आश्रम खोलने की, वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझिए कि आप अपनी माँ को कभी धकेल नहीं सकते मरने के लिए, इसी तरह आप यहाँ ख्याल रख सकते हैं ना। कई बार मैंने देखा है कि गांव में भी कई बार मैं गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि बदबू आती है लोगों को गोबर से, लड़कियों को अधिकतर मैं देखता हूँ इस तरह का। मतलब जिस गोबर में कल तक तुम पले हो, जिसने तुम्हें मतलब इतना ऊंचाई दी, सब कुछ दी, गाय गोबर, जब तुम्हारी माँ घर में गोबर लगा रही है या पोत रही है, जो भी कर रही है, तो तुम्हें उनसे बदबू आती है, क्या उखाड़ लोगे जिंदगी में। देखिए धरती से जुड़ा रहा हो वही सक्सेस रहा, वरना हम जैसे हो तुम जैसे हजारों हुए और चल बसे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया जिंदगी में, समझ में आए। इसलिए धरती से जुड़े रहिए, इंसानियत खत्म मतलब आपका जीवन खत्म। और अधिकतर लोग बिना इंसानियत के ही जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है समाज में, क्या हो रहा है। और उस स्थिति को आप लोग याद कर लीजिएगा ना कि आपको भी उसी स्थिति से जाना है। बता रहा हूं ना कि उनकी स्थिति तो घर से निकाला गया है, हो सकता है हमें सड़ा सड़ा के मारा जाए, तो अभी थोड़ा बचा हुआ है इंसानियत, अभी तो निभाते जाइए, बात का बात से लगा हुआ है। भारत में मवेशियों की नस्ल सुधारने के कार्य से संबंधित कई संस्थान हैं, जिसमें सूरतगढ़ राजस्थान, धामरोड गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलीमा सिलीगुड़ उड़ीसा, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश, हिस्सरघट्टा कर्नाटक स्थित संस्थान प्रमुख हैं। हिस्सरघट्टा स्थित सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देश में अपने प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। गाय से 8.8 महीने के लिए दूध का उत्पादन होता है, कितने साल में, जबकि भैंस में इसमें 9.9 महीने तक दूध उत्पादन होता है, यानी कि आपके 10 महीने तक सर। भैंसों से प्रतिदिन दूध उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। भारत में गौ पशुओं की संख्या विश्व में इसकी कुल संख्या का 15% और भैंसों की कुल संख्या का 57% भारत में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.44% तथा कृषि योग्य भूमि का 12% पशुपालन में लगा है। भेड़ों की विभिन्न उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, जिनमें ऊन, मांस प्राप्त करना आदि। भारत में विश्व में भेड़ों की कुल संख्या का 3% भाग पाया जाता है, किसमें, भारत में। भारतीय भेड़ों से प्राप्त किए जाने वाले उत्पादों में ऊन सबसे महत्वपूर्ण है। देश में ऊन की प्रति भेड़ उत्पादन लागत लगभग 700 ग्राम होती है। भेड़ों की संख्या अनुसार भारत का विश्व में छठा स्थान है, क्या है, छठा स्थान है। यहाँ पर 4 मुख्य क्षेत्रों में भेड़ों को पाला जाता है, किस किस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण हिमालय प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा शुष्क पश्चिमी प्रदेशों में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। इसमें किसमें किया जाता है, भेड़ पालन में। दक्षिण प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण में शुष्क भागों को पूर्व प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता है। भेड़ का जो जीवन काल होता है 10 से 12 वर्ष का होता है, औसत गर्भ काल लगभग 150 दिन का होता है।
तथा ये लगभग 7 वर्ष तक उत्पादक रहती हैं। इसके लिए कई प्रजनन केंद्रों का निर्माण किया गया है, जैसे जिनमें आपकी भैंसदौर उत्तर प्रदेश हो गया, फतेहपुर राजस्थान, दक्सुम जम्मू कश्मीर, ममीदापल्ली या आपका आंध्र प्रदेश, हिसार हरियाणा में स्थित केंद्र हैं। सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म्स हिसार में से इसमें इनमें एक महत्वपूर्ण है। फिर आती है बकरी। बकरी को, ये भी आपका कई बार पूछ लिया गया, बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय कहते हैं। जो बकरी होती है इसे गरीब व्यक्ति की गाय कहते हैं। विश्व में पाई जाने वाली कुल बकरियों का 25% कितना, 25% कहाँ देखने को मिलेगा? भारत में। भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश इसका सर्वाधिक सकेंद्र है। भारत में केवल कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ बकरियों की संख्या नगण्य है, नागे बराबर। भारत में बकरियों की 20 नस्लें पाई जाती हैं। इनका पालन दूध, मांस एवं ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मांस इनका सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। बकरियों का गर्भकाल 150 दिन का होता है। भारत बकरी के मांस एवं खालों का प्रमुख उत्पादक है। कुछ बकरियों को ऊन के लिए भी पाला जाता है। इस प्रकार की अधिकांश बकरियाँ मुख्यतः संकर नस्लों की हैं तथा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। बकरी की चेंगू और चिंगथांगी नस्ल की पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। सुअर पालन। भारत में सुअरों को एक सुव्यवस्थित व्यवसाय के रूप में बड़े पैमाने पर नहीं पाला जाता है, केवल कुछ लोग ही मांस के लिए इसे पालते हैं। फिर आपका कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गियों के अंतर्गत अतिरिक्त बतख, अन्य पक्षियों को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु मुर्गियाँ इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में मुर्गी पालन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में विकसित हो चुका है। भारत में अंडों के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है वे मुख्य रूप से विदेशी नस्ल की होती हैं। ये मुर्गियाँ 5 महीने से अंडा देना आरंभ करती हैं। भारतीय मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं तथा अधिक समय तक अनुत्पादक रहती हैं। सरकार के प्रोत्साहन के कारण मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण गौड़ व्यवसाय के रूप में फल फूल रहा है। इस व्यवसाय में उन्नति के फलस्वरूप भारत का अंडों का उत्पादन में 5वां स्थान है। आप भरोसा नहीं करेंगे, मेरा एक दोस्त है वो यही काम करता है, पशुपालन और ये जो मुर्गी पालन है यही करवाता है। पता है महीने की कितनी इनकम होती है? 2.5 से 3 लाख रुपए निखर्ची। क्या आप एक कहीं आप नौकरी में पा सकेंगे? कभी नहीं। मैं उससे मिला, वीआईपी जिंदगी जीता है। और अभी अगर अधिकतर लोग तो इसी जिंदगी जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे भाई। लोग पैसा आना चालू होता है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आपने देखा है कि डकैती डाल डाल के लोग बड़े आदमी हो गए, उन्हें भी लोग भूल कर उन्हें भी इज्जत की नज़रों से देखने लगते हैं जब पैसा आने लगता है। जब शुरू में उसने उस लड़के ने काम किया था तो उसे मैंने देखा कि उसके घर वालों ने उसे बोला, परिवार वालों ने बोला, लेकिन आज देखिए वही लोग उसकी इज्जत करते हैं। और हमारी तुम्हारी औकात नहीं है नौकरी करने वालों की, कभी औकात नहीं होगी कि फॉर्चूनर लेके खरीद सकें। एक अगर कलेक्टर भी है तो वो भी ज़िंदगी में एक फॉर्चूनर खरीदने में ज़िंदगी निकल जाएगी ईमानदारी से, लेकिन उसके पास फॉर्चूनर, उसके बच्चे, हमारे बच्चे ज़िंदगी में उन वीआईपी स्कूलों में पढ़ने की औकात नहीं रख पाएंगे जिसमें उसके बच्चे भी पढ़ते हैं। समझ में आया? तो इसलिए समाज को छोड़िए, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आपको जो अच्छा लग रहा है वही कीजिए। समाज के चक्कर में तो पिछड़ जाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे। गौ पशु की उन्नत नस्लों की बात करें तो दुधारू गायें साहीवाल पंजाब में, सिंधी आपकी कराची और हैदराबाद में, गिर आपकी काठियावाड़ में, दुईकाजी गायें ये हरियाणा रोहतक, ओंगोल आंध्र प्रदेश, थार पार्क कच्छ, कांकरेज कोसी मेवाती काशी और मथुरा, राठी अलवर, निबारी खारगांव तथा तो इंदौर में। भरवाई ने नस्लें अमृत महल मैसूर कर्नाटक, मालवी मध्य प्रदेश राजस्थान, हल्लीकर कर्नाटक, नागौर राजस्थान। कुछ विदेशी नस्लें हैं जर्सी, जन्मस्थान जर्सी, हॉलस्टीन हॉलैंड, गर्सनी आयरलैंड, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, रेड डेन डेनमार्क में। अगर भैंसों की नस्लों की हम लोग बात करें तो उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र की नस्लें मुर्रा पंजाब, दिल्ली उत्तर प्रदेश, नीली रावी पाकिस्तान, भदावरी ग्वालियर मध्य भारत की नस्लें नागपुरी मराठवाड़ मंडा उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की नस्लों की बात करें तो टोडा या आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर, पश्चिमी भारत की नस्लों की बात करें तो सुरती गुजरात, जाफराबादी गिर के जंगलों में,
मेहसाणा उत्तरी गुजरात के मेहसाणा क्षेत्र में। भेड़ की उन्नत फसलों की बात करें तो हिमालय में गद्दी जम्मू, भकरवाड़ पीर पंजाल क्षेत्र, गुरेज कश्मीर, रामपुर वसायत ये शिमला, बिलासपुर सोलन में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की हिसार कुल्लू के तराई क्षेत्र, चौकला राजस्थान, मागरा बीकानेर चुरू और नागौर, नाली ये गंगानगर मारवाड़ी जोधपुर सोनाडी उदयपुर काठियावाड़ी। दक्षिण क्षेत्र नेलूर आंध्र प्रदेश, मांड्या बंगलोर मद्रास रेड। पूर्वी क्षेत्र छोटा नागपुरी, गंजम फुलवानी तथा पुरी। कुछ विदेशी नस्लों की बात करें तो महीन ऊन वाली नस्ल मेरिनो और रैम बुले है। मध्यम ऊन वाली नस्लों की बात करें तो कोरिडेल सेवियट साउथ डाउन हेम्पशायर। लंबे ऊन वाले नस्ल लीसेस्टर लिंकन रोमन मार्स। और अगर हम लोग बकरी की बात करें, बकरी की उन्नत फसलों की, तो उत्तर पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र में जमुनापारी उत्तर प्रदेश, बरवरी इटावा आगरा बीतल पंजाब हरियाणा, सूरती मारवाड़ी मेहसाणा मकराना। दक्षिण क्षेत्र में औसन वादी महाराष्ट्र मालवरी केरल। उत्तरी क्षेत्र में आपका चिंगथांगी गद्दी चिकू। सुअर की उन्नत फसलों की बात करें हम लोग तो लार्ज राइट यॉर्कशायर अंग्रेजी बीकॉन नल नस्ल, वर्कशायर मध्य दक्षिण इंग्लैंड, लैंड रेस डेनमार्क, ड्यूरॉक उत्तरी पूर्वी यूनाइटेड स्टेट, चेस्टर राइट यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये कवक पशुओं के रोग हो गए, ये आपका रोग का नाम हो गया कवक हो गया, रोग के लक्षण और रोकथाम। इस एस्परजिलस रुग्णता एस्परजिलस फ्यू मैग्नेट्स ये फुसफुस रुग्णता एवं गर्भपात इसका लक्षण है, लाक्षणिक उपचार इसका होता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इसका कवक का नाम है। सर्वदेहिक और स्थानीय लक्षण इसका लाक्षणिक उपाय उपचार होता है। कैप्टोकॉक्सता कैप्टिकोकस नियोफॉर्मेस इसका कवक का नाम हो गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग लक्षण है, लाक्षणिक उपचार। राइनोस्पोरीडियम सेवेराई नाक में पॉलिस पोलिप्स शल्य चिकित्सा होती है। रिकेटिसिया जनित पशुओं के रोगों की बात करें तो क्यू ज्वर कॉक्सीला वर्निटी दंडाणु ये ज्वर है, लाक्षणिक उपचार होता है इसका। पोटोजुआ जनित पशुओं के रोग जैसे आपका कॉक्सीडियोसिस कॉक्सीडियोसिस प्रजातियाँ इसका कवक का नाम हो गया कारक का। रक्तस्रावी आंतशोथी खूनी पेचिस होता है इसका लक्षण। नाइटोफ्यू राजन यौगिक इसका रोकथाम है। बबेसियसिस बबेसिया बोबिस से होता है, तीव्र ज्वार और रक्त अल्पता लाक्षणिक उपचार होता है। थैलीरियोसिस थैलीरिया पारवा थैलीरिया एनुलेटा और थैलीरिया म्यूटांस इससे तीव्र ज्वार वायलसिका ग्रंथियों में सूजन इसका लक्षण है। थैलीरिया एनुलेटा का टिशू कल्चर टीका लगता है। एनाप्लाज्मोसिस एनाप्लाज्मा प्रजाति के परजीवी लाल रक्त कण का विनाश एनाप्ला ए टीका इसका उपचार है। सर्रा या फिर टैपनोसोमीसिस ए ट्रिपनोसोमा एमवासाई रक्त ज्वार रक्त की कमी मुख्य औषधि सरामिन इससे उपचार होता है। ट्राइकोमोनीसिस इससे ट्राइकोमोनास फीटम फीटस गर्भपात और बंधता इसके लक्षण लाक्षणिक उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। डाउरिन ट्रिपेनोसोमा इक्यूपर्डम पर्डम लैंगिक संक्रामक रोग लाक्षणिक उपचार इसका कारण है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता रहता है तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है, केसर का उत्पादन कहाँ होता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा। एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप जितने से ज़्यादा हो क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किताबें हमेशा बोल रहा हूँ कि किताबें कम ही पढ़िए, जितना कम किताबें पढ़िए कम ही पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन पेपर जितने सॉल्व कर सकते हो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस बनाना और उनके आंसर याद रखना सीख गए
तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस कोई गलत होगा और अधिक टाइम तक आप लोग उसे याद भी रखने में सक्षम होंगे। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता आपको होती है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। बंगलौर को बगीचों का शहर कहते हैं। किसे? बंगलौर को। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को भी आपका चावल का कटोरा कहते हैं या चावल की टोकरी। भारत में झूम खेती सबसे अधिक असम में होती है। कहाँ? असम में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी इसकी स्थापना। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि रबी की फसलें। किसकी? रबी की, साहब की। रबी मौसम। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, इसीलिए सोया प्रदेश कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। गरीबों का सेब अमरूद को कहते हैं। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। सबसे पुराना फल खजूर है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। कोकून के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर के भोजक हैं। तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर, उच्चतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी फसल खरीफ की है, तो इन्हें भी आपसे अच्छे से याद रख लीजिए। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये आपका कटक में देखने को मिलेगा आपको। आलू एक प्रकार का तना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। किसके? कैरोटीन के कारण। भारत में उगाई जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। नासिक को हम लोग अंगूर का बगीचा कहते हैं। किसे? नासिक को। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। लहसुन में जो गंध होती है वो आपकी इलाई सिन के कारण होती है। मिर्च में जो लाल रंग होता है ये कैप्सिन थिन के कारण होता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। चाय में थिन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है, यानी कि बड़ा एक हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है कृषि क्षेत्र का। इस पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, समझ रहे हैं आपको। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का स्थानीय नाम भी कई बार पूछ लिया गया है, रेगुर मिट्टी है। टिक्का रोग का संबंध आपके मूंगफली से। किससे? मूंगफली से। ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए करते हैं। किसका? ऑक्सोनोमीटर। यूरिया में आपका 46% नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। क्या बन गया कि हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में कौन है? स्वामीनाथन साहब। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। देश में कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि आप जागरूक हो सकें, वन पेड़ों के बारे में जान सकें। आप हमेशा याद रखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि फेफड़े आपके अंदर नहीं है। फेफड़ों का एक हिस्सा आपके अंदर है, एक दूसरा आपके फेफड़े पेड़ हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो इसे ऑक्सीजन में कौन परिवर्तित करेगा अगर वन खत्म हो जाए पूरी तरह से? इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं ना। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ समय में समझ जाए। चिपकू आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से। चिपकू आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्तम जलवायु आपकी शीतोष्ण है। कैसी? शीतोष्ण। गेहूं में आपका विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। किसमें? गेहूं में।
धान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मनीला फिलीपींस में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में मिलेगी। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ क्षेत्र कृषि है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये भी आपका कई बार पूछ लिया है, इसका शॉर्ट नाम आपको याद रखना, नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। आपसे क्या पूछेगा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। ये पूरा नाम कम ही पूछता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पूछता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। शिव रावण समिति का संबंध नाबार्ड से, ये भी आपका एक बार नहीं कई बार पूछ ले चुका है कि शिव रावण समिति का संबंध किससे है, नाबार्ड से। या फिर पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये आपकी शिव रावण समिति। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1984 में एक वन नीति अपनाई थी, कब? 1884 में। यहाँ ये गलत हो चुका है एक बार। अब इस तरह के मिसप्रिंट हो जाते हैं कई बार। किस तरह की? सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने, ये है आपका 1894, क्योंकि 1984 तो आप अभी में आ गए ना, वर्तमान में लगभग पास आसपास, तो 1894 में वन नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। उस समय आपका ब्रिटिश राज था ना। किंतिम वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड है, गैस है। रोग ब्लास्ट का संबंध धान से होता है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, कौन सा? चीन। कच्चा गाजर विटामिन ए का स्रोत है। किंतिम रियोन सिल्क कहलाता है। चावल को पॉलिश करने से थायमिन यानी कि बी वन नष्ट हो जाता है, विटामिन बी वन। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। गाय, इसका विज्ञानी नाम बॉस इंडिकस है एवं बॉस टेनरन रस है, टेनरस। नर को सांड तथा मादा को गाय कहते हैं हम लोग। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। नर बच्चों को बछड़ा और मादा बच्चों को बछड़िया बछिया कहते हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से इन्हें जानते हैं। गाय का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको याद होगा कि एनसीईआरटी, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी आपकी इसी पर तो लिखी गई है। आपने देखा हुआ भूगोल की देख लीजिए आप लोग, पूरी व्यवस्था को आपका, इकोनॉमिक्स की देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों से ही दिखाई गई है मिलाकर। फिर आपकी भैंस, भैंस की प्रजातियों का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस, बुबेलिस। भैंस की औसत जीवन अवधि लगभग 25 वर्ष की होती है। गर्भावधि इसकी 308 से 316 दिन की होती है। बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम है क्रेफरा हिरकस। बकरी का जीवन अवधि की 10 वर्ष की होती है। इसकी गर्भावधि आपकी 148 से 156 दिन की होती है। यह एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है, क्या? बकरी। पर आपकी भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविश एरिज है, एरिज है। इसकी सामान्यतः जीवन अवधि 10 से 15 वर्ष की होती है। इसकी गर्भावधि 147 दिन की होती है। भेड़ों को ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। सुअर, पिग, इसका वैज्ञानिक नाम सस स्क्रोफा है। सस डोमेस्टिक भी है एवं सस इंडिकस भी है। सुअर की औसत जीवन अवधि 16 वर्ष की होती है। फिर आपका कुक्कुट पालन, कुक्कुट के अंतर्गत मुर्गी, बत्तख, हंस, कबूतर, शुतुरमुर्ग, तीतर इत्यादि आते हैं। भारत में मुर्गी पालन अत्यधिक प्रचलित है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मांस के लिए उपयुक्त कुक्कट नस्लों को वायलर, वायलर कहते हैं, जबकि अंडों के लिए उपयुक्त नस्लों को लेयर कहते हैं। मुर्गियों की 2 प्रकार की नस्लें भारत में होती हैं, देसी और विदेशी। देसी मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं असील, कड़कनाथ, घाघस, ब्रह्मा, बसरा, चिटगांव। मुर्गी की विदेशी नस्लों की बात करें तो हेराइट, लेगहार्न, रोड आइलैंड रेड, फिलाई माउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर। लेगहार्न विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडा उत्पादक मुर्गी है। इसके बाद मेडोरन का नंबर आता है। असील मुर्गियां लड़ाई के लिए मशहूर हैं, कौन सी? असील। रोड आइलैंड रेड, सुसेक्त, ब्रह्मा मांस के लिए पाले जाते हैं। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है, कितना? 12%।
फिर आपका मत्स्य पालन। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में मत्स्य पालन को औद्योगिक स्तर पर विकसित किया जा रहा है। मछलियों को मत्स्य मांस चर्बी तेल एवं खाद के रूप में भी अधिक होता है। मत्स्य विकास के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मछली पालने वाला मछुआरा और मत्स्य उद्योग का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मछली के रूप में खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाना, समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करना, मछुआरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, मछलियों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। भारत में कुल मछली उत्पादन का लगभग 60% समुद्री मछलियों के रूप में और शेष 40% मछलियाँ नदी तथा तालाबों में से मिलती हैं। इसे भी आप अच्छा धंधा मान सकते हैं। उद्योग, आपने देखा होगा कि आपके तालाबों पर मछली पालन किया जाता है, ये भी अच्छा फायदे का रहता है। समुद्री मछली पकड़ने में भारत विश्व में 7वें नंबर पर है, जबकि आलावड़ीय जल में मछली पकड़ने में 3रे स्थान पर है। मछली एक ऐसा भोजन है जिसमें मनुष्य की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे आपका प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, पोटास, गंधक, तांबा इत्यादि पाया जाता है मछली में। कलेजी के बाद सबसे अधिक विटामिन सी मछली में ही मिलता है और विटामिन डी भी आपने देखा होगा मछली से ही हमें प्राप्त होता है, सूर्य से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से, मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। सार्डाइंस, मैकेरल, बम्बे डक, क्रस्टियन समुद्री मछलियाँ हैं, झींगा, लोबस्टर, कैप, रोहू, कतला, मैंगरेला, लांची, क्लेरियस इत्यादि भूतलीय जल की मछलियाँ हैं। विश्व की कुल झींगा उत्पादन का 13.15% भाग भारत में है। भारत में झींगा उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य, कौन सा? महाराष्ट्र। मोलस्कन मत्स्य उद्योग के अंतर्गत मोलस्क के समुदाय के जीव जंतु आते हैं। मोती, मोलस्कन समुदाय के पिंक टेडा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेप्रोलिगिनिया, गिल का सड़न रोग मछलियों में कवक के द्वारा होता है। मछलियों में होने वाले सफ़ेद रोग पोटोजुआर के कारण होते हैं, कौन सा? सफ़ेद रोग। फिर आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी विशेषकर शहद के लिए जानी जाती है, परंतु इसमें मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भारत सबसे प्राचीन देश है, यहीं से विश्व के अन्य भागों में मधुमक्खियाँ निर्यात की जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की नस्लों की बात करें, सारंग हो गया, मूंगा, खैरा आदि ये मधुमक्खी की नस्लें हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है जो हजारों की संख्या में एक छत्ते में रहती है। इसके समाज को कार्य के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, तीसरा है श्रमिक मधुमक्खी। जो रानी मधुमक्खी होती है इसका कार्य केवल होता है अंडे देना। क्या? अंडे देना। यह प्रतिदिन लगभग 1500 अंडे देती है। कितने? 1500। सामान्य स्थिति में श्रमिक मधुमक्खियाँ बाज मदाएँ हैं ये अपने समूह की शत्रुओं से रक्षा करती हैं तथा मधु इकट्ठा करती हैं। नर मधुमक्खी निषेक जनन से पैदा होती हैं। इनका कार्य केवल मिथुन संपन्न करना होता है। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या छत्ते की कुल मधुमक्खी संख्या की 90% होती है। बर्रे, मोमी कीड़ा, मित्यु सिरा पतंगा, डाकू मक्खी आदि मधुमक्खियों के प्रमुख शत्रु। मधुमक्खियाँ शहद को पुष्पों से एकत्रित करती हैं और पराग से बनाती हैं। शहद में कैरोटीन, जेंथोपिल, एंथोसाइनिन और टैनिन जैसे पादप रंग पाए जाते हैं। इसमें शहद में उपलब्ध घटक जैसे जल हो गया 17%, फल शर्करा हो गया 31%, डेक्सट्रीन और गोंद हो गया 1.5%, खनिज पदार्थ 0.2% और अन्य पदार्थ इसमें 3.41% होते हैं। शहद में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की अगर हम बात करें तो सिलिका, लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम इत्यादि खनिज पदार्थ इसमें देखने को मिलेंगे आपको। फिर है आपका आगे शहद का आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में बहुतायात से प्रयोग होता है। यह रक्त शोधक और दस्ता और होती है, यह कफनाशक भी होते हैं। 1 किलोग्राम शहद की औसतन 3500 कैलोरी यानी कि 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मधुमक्खियों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियां अकेरिन, ओसेमा, एपिस, लकवा, अतिसार और फाउल बोर्ड है। फाउल बोर्ड बीमारी से ग्रस्त होने पर मधुमक्खियों में
को पूरे छत्ते समेत जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यही इसका एकमात्र उपचार है। यह यूरोपीय देशों में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ तो अधिक लोग जानते ही नहीं हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इस धरती को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो हम ही लोग हैं, इंसान ही हैं। वरना आप समझ सकते हैं कि इंसान की सबसे ज़्यादा इच्छा धरती को नुकसान पहुँचाती है। इस बारे में आपने गांधी जी का वचन भी सुना होगा, ये आपका कहीं भी आप डाल भी सकते हैं, अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इसे डाल सकते हैं कि पृथ्वी हमारे पृथ्वी सबका भरण पोषण कर सकती है, सभी जीवों का आप देख रहे हैं कर रही है, लेकिन अगर जो जीव लालची हो जाता है तो उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं गाय हो, बैल हो, भैंस हो, मधुमक्खी हो, सर्प हो, जो भी जानवर या पक्षी या फिर जीव जो भी हो, सबका हक उतना ही है जितना हमारा है, यानी कि इंसान का है। लेकिन इंसान अपने बाप की बाप होती समझ के इसे नुकसान पहुंचाता रहता है। और अन्य जानवरों को देखिए, वो इसके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। अब कहते हैं कि शेर जंगल से निकल के शहरों की तरफ आ रहा है, इस बात को आप लोग पहचानिए कि शेर जंगलों की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि हम उनके घरों में घुस रहे हैं। तो वो जाए तो कहाँ जाए आके। दूध विज्ञान, दूध तथा उससे संबंधित उत्पादों के उद्योगों को दुग्ध उद्योग के नाम से जानते हैं, तथा दुग्ध उद्योग के विकास के लिए चल रहे कार्यों का अध्ययन दुग्ध विज्ञान कहलाता है। संसार में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आपका 1965 में हुई थी इसकी स्थापना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। भारत डेयरी निगम की स्थापना आनंद गुजरात में 1970 में की गई, इसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूसरा खीस कहलाता है, क्या कहलाता है, खीस। यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। पशुओं के बच्चे को जन्म, पशुओं के बच्चे को जन्म एवं तेल 3 दिन तक खीस पिलानी चाहिए। आपने देखा होगा पीले रंग का होता है दूध, एवं खीस में पीला रंग होने के कारण क्रोटीन और जेंथोफिल होता है। जब शुरू में गाय कोई भी दूध देता है तो पीला ज़्यादा ही होता है। एक खीस, इसे देखा होगा कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे मुझे लगता है तेली कहते हैं, क्या कहते हैं, तेली। और आपके क्षेत्र में हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता हो, क्योंकि बुंदेलखंड में मैंने यही नाम सुना है, ठीक है। दूध की अपेक्षा खीस में दुगनी कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध की अपेक्षा खीस में 17 गुना आयरन और 9 गुना कैरोटीन पाई जाती है। गाय के दूध में 50% मात्राएँ होती हैं, 61.86% जल, 4.14% वसा, 3.38% प्रोटीन और 13.19% कुछ ठोस पदार्थ, 9.25% वसा रहित ठोस, 4.96% लैक्टोज और 0.17% खनिज पदार्थ हैं। भैंस के दूध में 7.38% चिकनाई होती है, सर्वाधिक चिकनाई भदावरी भैंस के दूध में 9% होती है। माता के दूध में 9.75%, बकरी के दूध में 4.25%, भेड़ के दूध में 7.90%, घोड़े के दूध में 1.59%, गधी के दूध में 2.53% वसा चिकनाई पाई जाती है। दूध की शुद्धता को की माप के लिए लैक्टोमीटर से की जाती है। याद रखिए गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। वैसे भी गाय ही ऐसा है कि जो अगर उसका मालिक दुखी है तो उसे पता चल जाता है कि वो उसका मालिक दुखी है। गाय बहुत ही सीधा पशु होता है, हमारे घर में भी एक गाय है और हमारे घर में जो गाय है बड़ी अच्छी गाय है। दूध का घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है। दूध में वसा मापने हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में यूरिया का की मिलावट की पहचान के लिए नील और नीलापन के लिए हरा रंग देखा जाता है, जिसमें 1 ml NaOH, 0.5 ml Na हाइपोक्लोराइट 2%, 0.5 ml फिनोल घोल 5% प्रयोग करते हैं।
दूध के प्रोटीन में केसिन 2.63, एल्ब्यूमिन 0.31%, ग्लोब्यूलिन 0.11% होता है। दूध के अगर पीएच मान की बात करें तो औसतन 6.6% हो सॉरी 6.6 होता है। थैनेला रोग में यह पीएच मान 6.7 से 7.5 तक पाया जाता है। दूध का उबाल बिंदु की बात करें तो यह 100.17°C है। निर्जवीकरण से तात्पर्य दूध को 93.3 से 94.4°C पर 30 मिनट तक गर्म करने से है। पाश्चुरीकरण से तात्पर्य दूध की पोषण मात्रा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रयास सभी जीवाणुओं से मुक्त करना होता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में दूध को 60°C पर 20 मिनट तक रखा जाता है। क्रीम एक प्रकार की दूध होती है जिसमें वसा बढ़ जाती है तथा पानी कम हो जाता है। दूध को दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिलस का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति को न्यूनतम 210 ग्राम दूध की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। तो ये कहानी थी आपकी कृषि एवं पशुपालन की। अब विज्ञान में एक टॉपिक और बचता है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और प्रदूषण, उसे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।